स्टूडेंट्स, आई एम सुमन तेवतिया. इट इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द लेसन द गोल्ड वॉच. तो पहली वीडियो में आपने देखा था कि शंकु की कितनी प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से उसने घड़ी चुराने की कई बार कोशिश की, वो डर जाता था हर बार. तो इससे आगे आप देख लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ. शंकु थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ. अब शंकु जो है अपनी थॉर्नी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगा. थॉर्नी प्रॉब्लम मीन्स कि बहुत सारी जो बड़ी परेशानी देने वाली पीड़ा देने वाली परेशानियां सारी बहुत ही ज़्यादा उसको पीड़ा हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी. थॉर्नी प्रॉब्लम्स यानी कि कांटों की तरह चुभने वाली प्रॉब्लम, उनके बारे में सोचने लगा. टुमोरो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ. क्या सोचा उसने सबसे पहले कि कल मंथ का थर्ड डे हो जाएगा, तीसरा डे हो जाएगा. इन अनदर थ्री डेज ही वुड गेट हिज पे 13 rupees फॉर 13 days. और अगले 3 दिनों में उसको 13 rupees मिलेंगे 13 days के. 13 days की इसको पे मिलेगी 13 rupees. ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेज एट द स्टोर. तो उसको क्या करना है, जो स्टोर से वो परचेज करता है, स्टोर से वो सामान खरीदता है, उसमें से 4.5 rupees यानी कि 4.5 rupees तो उसको उस स्टोर के पे करने हैं. सारी कैलकुलेशन कर रहा है, वो सारा देख रहा है कि किस तरीके से क्या क्या करना है, पे कितनी मिलनी है, खर्चा कितना है, ये सब. देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees. वो बैलेंस फिर भी कितना रह जाएगा, 8.5 rupees यानी कि 8.5 rupees का बैलेंस फिर भी रह जाएगा. ही हैड रिपेड ओनली 5 out of 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड. और जो फंड उसने लिए थे, फंड में से 10 rupees उसने लिए थे अपने, उसमें से 5 rupees ही वो वापस कर पाया है, वापस जमा कर पाया है. 5 rupees अभी भी हैं फंड में से निकाले थे जो उसने. द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी. अब वो फंड में से 10 rupees क्यों निकाले थे, क्योंकि प्रीवियस मंथ में पहले महीने में जो उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी हुई थी, डेथ एनिवर्सरी में जिसे नॉर्मली लैंग्वेज में हम बरसी बोलते हैं, कि अपने मदर की डेथ एनिवर्सरी के लिए उसने 10 rupees अपने फंड से निकाले थे और उस फंड में से 5 rupees ही वो वापस कर पाया. 5 rupees अभी भी रह रहे हैं. नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 paise a rupee अ वीक. नहीं, उसे भी 5 rupees ही पे करने हैं. और कैसे करने हैं, विद इंटरेस्ट यानी कि उनका इंटरेस्ट भी देना है. और इंटरेस्ट किस तरह से, 6 paise a rupee a week. एक वीक में 6 paise 1 rupee पे, 1 rupee पे 6 paise 1 week के विद इंटरेस्ट उसको पे करने हैं 5 rupees भी. एट द टी शॉप ही ओर्ड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks. और पिछले 2 हफ्ते से टी शॉप वाले के भी यानी कि चाय की दुकान वाले के भी उस पर 3 रुपये रह रहे हैं. बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 rupees. और इतना देने के बावजूद उसका कुछ प्रीवियस एरियर्स भी रह रहा है, उनके पुराना बकाया भी रह रहा है. ये सामान तो, ये रुपीस तो देने ही देने हैं. कुछ पहले भी रुके पड़े हैं उसके पैसे रुके हुए हैं, वो भी देने हैं. कितने हैं वो, 2.5 rupees यानी कि 1.5 रुपये उसका पहला भी रुका हुआ है, प्रीवियस एरियर है. ही ओड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीडीज एंड अदर ओट्स एंड एग्स. ओट्स एंड एग्स स्मॉल आर्टिकल्स, छोटे छोटे सामान के लिए. तो क्या कह रहा है वो कि उसने 6 rupees अली से भी लिए हैं, उधार ले रखे हैं 6 rupees अली से. किस लिए, फॉर सप्लाई एक्स्ट्रा राइस यानी कि कुछ एक्स्ट्रा राइस मंगाने पड़े उसके लिए, बीडीज एंड अदर ओट्स एंड एग्स, बीडीज वगैरह के लिए और ऐसे छोटे मोटे सामान के लिए उसको उसने अली से भी पैसे उधार लिए. 1 month हाउस रेंट वो 3 rupees. और 1 महीने का हाउस रेंट 3 rupees भी था. अरे आपको 3 rupees बेटा ऐसे लग रहा है, ये स्टोरी बहुत पुराने टाइम की लिखी हुई है, जब 3-3 paise 4-4 paise की भी बहुत वैल्यू होती थी, 1 rupee की तो बहुत ही वैल्यू होती थी, उस टाइम की स्टोरी है ये. आपको लग रहा होगा 3 paise 1 rupees क्या है ये, तो ये उस टाइम की स्टोरी लिखी हुई है. तो आप उस हिसाब से सोच करके चलिए कि स्टोरी में क्या कहना चाह रहे हैं वो.
वन मंथ हाउस रेंट वो 3 रुपीज, कि एक महीने का हाउस रेंट भी देना था 3 रुपीज उसको। इन एडिशन टू दिस सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। और जितना भी ये अमाउंट है उस अमाउंट के अलावा ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसमें छोटे छोटे लोन भी ले रखे हैं, यानी कि छोटी छोटी उधारी भी ले रखी है। किसी से 12 पैसे ले रखे हैं, किसी से 25 पैसे ले रखे हैं और किसी से 50 पैसे। बहुत सारे लोगों से इस तरह से उधार भी ले रखा है उसने। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 डेज बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमन। और उसकी वाइफ ने उसको ये भी रिमाइंड कराया, याद भी दिलाया उसको, कि एक दिन पहले जो फिश वुमन से फिश ली थी उसको भी 1 रुपया देना है, यानी कि 1 रुपया उसका भी उधार रह रहा है अभी। शंकू मेंटली एडिड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। अब शंकू ने मन ही मन में मेंटली टोटल अमाउंट जोड़ा कि उसे कितने पैसे की जरूरत है, कितना अमाउंट उसको चाहिए सारा कर्ज चुकाने के लिए, सारे खर्चे उठाने के लिए उसको कितना अमाउंट फिलहाल चाहिए, ये सारा उसने मन ही मन में ऐड किया। What he was going to get just 8.5 rupees। अब जो उसे मिलने वाले थे वो केवल 8.5 rupees उसे मिलने वाले थे, 8.5 रुपये। What he owed was 22 rupees 13 paise। अब जो उसने अमाउंट जोड़ा था, सारे पैसे उसने जोड़े थे कि उसके इतने चाहिए, इतना रेंट चाहिए, वो सारा था 22 रुपीज 13 पैसे, यानी कि 22 रुपये 13 पैसे उसको चाहिए थे। मिलना कितना था 8.5 रुपये, चाहिए कितने थे 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, और उसकी तो अपनी नीड्स भी थी, भी खाली यही थोड़ा था कि ये कर्ज देना है यही है, उसकी अपनी नीड्स भी तो थी, फैमिली की नीड्स थी और ज़रूरतें थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ। अब उसे याद आ रहा है कि 3 रुपीज तो उसने अपनी वाइफ से भी बोरो किए थे, अपनी वाइफ से भी उधार लिए थे, जब उसको जरूरत पड़ गई थी उसके पास नहीं थे तो अपनी वाइफ से भी उसने 3 रुपीज लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाय अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। और ये पैसे जो 3 रुपीज उसकी वाइफ पे कहाँ थे, उसने भी बड़ी मुश्किल से ऐसे ही इधर उधर से ऐसे ही जोड़ लिए थे। किस लिए जोड़े थे, कि अपने बेबी के लिए, अपने लड़के के लिए वो वेस्ट चेन लेना चाहती थी। वेस्ट चेन जैसे बॉयज को नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं चेन, जो बांध देते हैं ऐसे तगड़ी बांध देते हैं छोटे बच्चे के, उसको वो वेस्ट चेन लेना चाहती थी। 3 रुपीज उसने इसलिए जोड़ लिए थे थोड़े थोड़े करके कि बच्चे की मुझे वेस्ट चेन लेनी है। He had assured her that he would buy it out of his pay that month। और जिस समय शंकू ने वो पैसे वापस लिए थे उसने अपनी वाइफ को एश्योर कराया था, उसे विश्वास दिलाया था कि जब नेक्स्ट मंथ मेरी पे मुझे मिल जाएगी तो बच्चे की चेन मैं खरीद दूंगा, फिलहाल तुम मुझे पैसे दे दो और नेक्स्ट मंथ जब मेरी पे मिल जाएगी तो मैं खरीद दूंगा। लेकिन जब उसको पे मिलती थी तो उसको अपने ही खर्चे नहीं चलते थे, अपने जो बोरो किया हुआ वही नहीं दे पाता था। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट टाइम।